दर्शकों, जिस तरह से होली पर मैंने जीजा और साली की होली वाली एक कविता के बीच प्रस्तुत की, उसी तरह से वैसे अनेक मौके और अवसर आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं मनोविनोद हो जाता है, हास्य पैदा हो जाता है, मनोरंजन हो जाता है। पति और पत्नी के बीच भी संवाद इसी तरह से होता है, कई बार पड़ोसनों को लेकर संवाद हो जाता है। एक बार एक पत्नी जो है वो अपने पति से तरह तरह के प्रश्न कर रही थी और प्रश्नों के उत्तर देते देते पति न जाने किस मूड में आ गए और वो अपनी पड़ोसन की डीपी को झूम करके देखने लगे, तो पत्नी ने कहा, इससे ज्यादा पास में आने वाली नहीं है। ऐसे अनेक संवाद है जो पति पत्नी के बीच होते हैं और मनोरंजन पैदा हो जाता है। एक संवाद को लेकर मैं आपके बीच कविता प्रस्तुत कर रहा हूं कि जुर्म करे कोई और कोई सजा पाता है, पति पत्नी संवाद में बड़ा मजा आता है। एक दिन बोली पत्नी भोलेनाथ, वर दो, राम जैसा पुत्र देकर मेरी झोली भर दो। संतान है तू बेसब्र हम दोनों कभी से, पिता बने दशरथ माता कौशल्या कर दो। पति बोला, क्यों अपना सिंदूर लुटा रही, वरदान नहीं मौत का सामान जुटा रही। पति बोला, क्यों अपना सिंदूर लुटा रही, वरदान नहीं मौत का सामान जुटा रही। नसीब में दशरथ के सुख राम का है नहीं, जानबूझकर मेरी उम्र क्यों घटा रही। बदल कर वरदान पत्नी ये बोली, बदल कर वरदान अब पत्नी ये बोली। श्रवण कुमार हो पुत्र मेरी भर दो झोली, एक मिले नेक मिले नहीं अतिरेक मिले, एक मिले नेक मिले नहीं अतिरेक मिले। नहीं चाहिए मुझको ढेर बच्चों की टोली। पति बोला, वाह भोली कावड़ में ढोएगा, एक तीर उसको फिर खून से भिगोएगा। मांग मत वर, असहन दुख मिले हमको, नेत्रहीन बन फिर कौन बिलख रोएगा। पत्नी बोली, चिढ़कर दुर्योधन चलेगा, गांधारी बन कोख में पुत्र तो पलेगा। जगत में जननी हीन ना कहलाऊं नारी, बांझपन अपमान जीवन में खलेगा। जगत में जननी हीन ना कहलाऊं नारी, बांझपन अपमान जीवन में खलेगा, बांझपन अपमान जीवन में खलेगा। पति बोला, लालच शुल माला पिरोती है, वर को ही करदान क्यों इतना रोती है। कहावत पुरानी जन सच में बखानी, अकल सारी नारी की चोटी में होती है। अरे चाहत में शंकर को रोज पूजा जाता है, पति पत्नी संवाद में बड़ा मजा आता है, पति पत्नी संवाद में बड़ा मजा आता है। तो मित्रों, जिस तरह से पति पत्नी के बीच संवाद को लेकर मैंने आपके लिए कविता प्रस्तुत की, ऐसे ही अनेकानेक विषय जो कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन को आह्लादित कर देते हैं, उत्साहित कर देते हैं, ऐसे विषयों को लेकर निश्चित तौर पर होली के माहौल में कही गई कविताएं आपके अंतर मन को उत्साहित करने के लिए, आपकी उमंग को बरकरार रखने के लिए प्रस्तुत की गई। मैं पुनः होली की आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, नमस्कार।